हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और जो भी व्यस्त नहीं है वो व्यस्त हो जाएं, क्योंकि SSC, CPO, CGL, स्टेनो इन सब के एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, नवंबर या दिसंबर में इनके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर बिल्ड करने का, तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को बिल्ड करें, खूब स्ट्रॉन्ग तैयारी करें। मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा, और आपको जो भी अपनी स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आज हम इंग्लिश का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें SSC, CPO, CGL, स्टेनो जितने भी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उन सब के प्रीवियस क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन पे कॉमन एरर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहा गया है You have been doing your homework regularly। ये हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड एरर है? ये हमारा टेंस से रिलेटेड एरर है, जिसमें हम स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एरर है। तो इसमें क्या क्या गया है, तो ये हमारा क्या है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जब भी जो हेल्पिंग वर्ब आती है जिसमें हमारा WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है, जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है उनके लिए सेंटेंस ये स्ट्रक्चर होता है। और जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि व्हाट, हाउ या क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है WH वर्ड प्लस आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है WH वर्ड का। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये बिना WH वर्ड का क्वेश्चन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें WH वर्ड तो है नहीं क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्या इसका हमारा करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, तो इसमें बन जाएगा यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसको हटा के ये दोनों हमारा यहाँ पर ये हटा के हैव यू कर लेंगे, यहाँ पर हैव यू, तो क्या बन जाएगा हैव यू बीन, तो हैव से स्टार्ट होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर ये हमारी मेन वर्ब हो गई है, ठीक, और आगे का सेंटेंस हमारा ठीक है। तो एरर किस पार्ट में हो जाएगा, एरर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट में, ठीक। आई होप आप सबको समझ में आएगा, ये दोनों चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और स्टेनो के और CGL के और CPO के सभी मिला के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये, तो इनको जो भी इनके रूल्स हैं वो आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि जो भी SSC एग्ज़ाम पूछता है वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, कहा गया है द सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। ये वाला रूल मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि जब भी पैसिव वॉइस होता है, जब ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये पैसिव वॉइस में है, ठीक, एक होता है एक्टिव एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक, ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मोडल वर्ब आती है ये, तो शुड आता है, शुड के बाद हमारा क्या होता है, शुड के साथ हमारा बी प्लस ये जो मोडल वर्ब होती हैं प्लस बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म वो आती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, शुड ऑल्सो, तो यहाँ पर बी तो दे नहीं रखा, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे, तो एरर किस पार्ट में, हमारा एरर सेकंड पार्ट में है, ठीक। तो यहाँ पर शुड ऑल्सो इस बीच में यहाँ पर ऐड करेंगे, शुड ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये आई जोड़ लीजिए, यहाँ पर आई है, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। मीन्स होता है दौलत, या फिर कोई भी चीज़, मीन्स मतलब तो संपत्ति को कहते हैं, मीन्स होता है संपत्ति। तो मुझे क्या इसमें सेंटेंस में क्या है इसका, मुझे दूसरा तरीका ढूंढना होगा मुझे अपना बैलेंस को बजट करने के लिए। तो यहाँ पर मीन्स, सम मीन्स कुछ, मीन्स नहीं, क्योंकि वो तो कुछ तो कमा रहा होगा, कुछ और होगा, तो सम यहाँ पर सम के साथ सम अदर मीन्स होगा, सम अदर मीन्स,
सम अदर मीन्स, यहाँ पर सम अदर का भी यूज़ होगा ना, सम अदर मीन्स होगा यहाँ पर कोई और जो वो कर रहा है उसके अलावा, तो सम अदर, सम अदर का मीन्स होता है उसके अलावा। आई मस्ट फाइंड आउट सम अदर मीन्स टू बैलेंस माई बजट, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है अ हॉनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड। एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें क्या है इसका। SSC CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आई होप आप सबने देख लिया होगा इसमें एरर किस में है। तो यहाँ पर ये इसी में साफ साफ दिख रहा है ए ऑनेस्ट, जब स्टार्टिंग में हमें एरर, स्टार्टिंग में ही एरर दिख रहा है तो ए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का क्या साइन आ रहा है ऑनेस्ट, ओ से मतलब कोई वॉवल साउंड दे रहा है, वॉवल साउंड दे रहा है तो वॉवल के साथ कौन सा आर्टिकल आता है हमारा, वॉवल के साथ आता है एन आर्टिकल। तो यहाँ पर ए को हटा के हम यहाँ पर एन एस एन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच से कुछ बहुत से बच्चे हो जाएंगे, एच तो सर यहाँ पर हमारा वॉवल है नहीं, तो यहाँ पर ये वाले वॉवल के हिसाब से नहीं होता है, जो ए ई आई ओ यू इनके इनके हिसाब से नहीं होता, जो हिंदी के स्वर होते हैं जो उनको बोलने पर अब आता है, इस जो आवाज़ निकलती है उनके अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर ऑन ये कुछ बच्चे हॉनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, जैसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, तो ओ में ओ आ रहा है, ओ हिंदी का स्वर होता है, तो उसके हिसाब से हमारा आर्टिकल इसमें लगाए जाते हैं। तो उन स्वरों के हिसाब से जो जो भी वॉवल स्वर होते हैं उन स्वरों के साथ हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, ठीक। और जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं वो हमारे उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, एरर हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट में। ये तो सिंपल एरर था, मैंने बताया था आर्टिकल के एरर, इन सब के एरर बहुत पूछे जा रहा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। तो कहा गया है नो बडी हैज़ आंसर्ड माई क्वेश्चन, ये किस में दे रखा है हमारा, ये एक्टिव में दे रखा है, ठीक, एक्टिव में दे रखा है। इसका हमें पैसिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, एक तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, वर्ब को पकड़ कर चलते हैं। वर्ब में क्या होता हैज़ आंसर दे रखा है, तो हैज़ जब भी हैज़ होता है तो उसके साथ में पैसिव में बनता है तो हैज़ बीन हो जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन, तो हैज़ बीन हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसका अगला वाला क्या बन जाएगा, परफेक्ट हमारा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा चेंज होता है जब उसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इसमें हमारा आप देख लीजिए, इसमें नो बडी मीन्स होता है, नो बडी नेगेटिव मीन्स है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें हम क्या होगा, देखिए माई आंसर हैज़ बीन, माई क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड बाय समबडी। अब यहाँ पर हैज़ बीन तो है मगर नो बडी की जगह समबडी दे रखा है, तो यहाँ पर इस वजह से हमारा ये वाला नहीं होगा पैसिव, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं माई क्वेश्चन वॉज नॉट आंसर्ड, तो वॉज मैंने बताया तो यहाँ पर हैज़ बीन होना चाहिए था, ये गलत है, ठीक, हैज़ बीन, माई क्वेश्चन रिमेन, ये तो बिल्कुल है ही अलग, ठीक। तो हमारा आंसर वैसे भी अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो भी हो जाएगा, ये क्या है, माई क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बाय समबडी, जो एनी बडी है, तो एनी बडी जो भी आता है वो हमारा निगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक, और समबडी आता है वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, ठीक। ये किस में आता है, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक, और ये जो समबडी होता है, समबडी आता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में। ये भी इससे भी कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करने की कोशिश। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या गया, माई क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड बाय एनीबडी। अब इसमें आप एक बार ट्राई बताइए क्या क्या इसमें एरर है। मैंने क्या बताया था आपको, एनीबडी जो होता है वो, ये तो बहुत, जो एनीबडी आता है वो हमारा किन सेंटेंस में आता है, वो आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस में, ठीक, निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस क्या है, माई क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, तो यहाँ पर कहीं पर नॉट का तो या नो नो बडी किस इस तरीके का तो यूज़ हो नहीं रखा है, तो यहाँ पर एनीबडी का तो यूज़ हमारा नहीं होगा, ठीक। अब इसकी जगह क्या यूज़ करें हम, तो हमारा इसकी जगह होता है हमारा समबडी, तो ये समबडी होता है यहाँ पर, समबडी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है जिसमें नो का यूज़ नहीं हुआ होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर एनीबडी को हटाकर हम यहाँ पर समबडी कर लेंगे, सम यहाँ पर ये समबडी कर लीजिए, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन, तो जो प्लेग्राउंड से जो बच्चे थे वो एक एक करके जाने लगे,
तो यहाँ पर वन आफ्टर वन का यूज ना होके वन बाय वन होगा, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक करके। ठीक, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया ही हैड हार्डली गोन वैन हिज फ्रेंड केम। तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये भी ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं हमेशा। मान ये हार्डली हो गया, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ठीक, स्कार्सली, ठीक, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, और भी होते हैं ये, जितने भी ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, और इनके बाद हमेशा इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन होता है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, इन्वर्जन उसे कहते हैं, जब जो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना आ जाए। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना, पहले मतलब आएगा हमारा हार्डली, ठीक, हार्डली आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रिलेटेड वो आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो इसमें देख लीजिए आप, इसके हिसाब से हमारा ही हैड हार्डली इस वाले इसमें इम्प्रूव करना है हमें, ही हैड हार्डली गोन इस वाले में जो अंडरलाइन करी मैंने अभी, उसमें हमें इम्प्रूव करना है। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, तो इसके हिसाब से वैसे भी आप बना सकते हैं बिना ऑप्शन देखे, हार्डली हैड, हार्डली हैड ही गोन, हार्डली हैड ही गोन। तो हमारा कौन से इसमें दिख रहा है हमारा, तो हार्डली पहले आ, तो एक ये वाला हो सकता है पहले आ, तो ये दूसरा हो नहीं सकता। ठीक, दूसरा हटाने के बाद बना बचा हार्डली, हार्डली ही हैड गोन। अब हार्डली के बाद मैंने बताया था आपको, हार्डली के बाद हमारा इन्वर्जन फॉलो होता है, इन्वर्जन होता है वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो वर्ब ये है दे रखी, वर्ब दे रखी, ये हमारा सब्जेक्ट दे रखा, ये पहले आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा जब भी हार्ड निगेटिव वर्ड्स आते हैं तो उसके वो हमेशा स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, और दूसरी बात उसके आने के बाद हमारा इन्वर्जन फॉलो होता है। और इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है सब्जेक्ट का वर्ब से पहले आना। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन है। कहा गया नेदर टेड नॉर जॉन आर गोइंग। तो यहाँ पर किसमें पार्ट में हमारा दे रखा है, तो इस वाले में हमारा इम्प्रूव करना आर गोइंग में। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा। तो जो नाइदर टेड नाइदर नाइदर नॉर का केस होता है, उस केस में हमेशा हमारा जो वर्ब आती है वो वर्ब जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट ये है हमारा, एक सब्जेक्ट ये है, ठीक, सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट वन। तो वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है हमारी सब्जेक्ट वर्ब जो हमारा उसके पास में होता है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट टू क्या है, जोहन, जोहन क्या है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हमारी क्या वर्ब आनी चाहिए, पहले आप तो ये हैव होगी भी नहीं, ये वर्ब ये भी नहीं होगी, तो इज़ गोइंग, इज़ गोइंग ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर टॉड नॉर जोहन इज़ गोइंग इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया यू हैव प्लेड इंस्टीड ऑफ वर्क। एक बार आप इसे ट्राई करने की कोशिश करें, देखिए क्या होता है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए किस पार्ट में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, ये वर्क क्या इसमें वर्क, ठीक, वर्क में हमारा इम्प्रूव करना है इसमें। तो इस वर्क की जगह क्या पर हमारा क्या सही होगा, तो देखिए जब भी हमारा प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है, किस में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। तो ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आनी चाहिए, वर्किंग आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। तो यहाँ पर हैविंग वर्क ये तो गलत ही है, ये बींग वर्क ये भी गलत है, वर्किंग इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्किंग हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जब भी प्रेपोजिशन आता है उस प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो हमारी क्या होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी। ठीक, आईएनजी फॉर्म में क्यों होगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बनती है, ये हमारा जीरंड बनता है, ठीक, इसी को जीरंड कहते हैं। तो ये जीरंड जो है वो
ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुनो ने बताना है इनफेमी का। मैं पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, SSC CGL का मॉक टेस्ट है ये पूरा। इसमें सब चीज़ होगी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव और हमारा कॉमन एरर, एंटोनिम सिनोनिम फिलअप सभी चीज़ होंगे इसमें। ठीक, तो इस आपको जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए बताइए इनफेमी का क्या होता है हमारा इसमें सिनोनिम। तो इनफेमी का मीन्स हिंदी मीनिंग होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोरी मीन्स तो होता है खुशी, ठीक। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमान, सच्चाई, सच्चापन होता है, और फेमिलिटी एक जैसा लगना। तो इन तीनों के तो हमें पता है मीनिंग, अभी चौथा बचा तो चौथा भी हमारा आंसर होगा। नोटोरिटी के मीन्स भी बदनामी होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिनोनिम बताना है। बैरन का सिनोनिम क्या होगा इन चारों में से? होलसम होगा या गुड होगा, अनप्रोडक्टिव होगा या प्रॉफिटेबल होगा? तो पहली बात तो बैरन का क्या मीन्स होता है? बैरन का मीन्स होता है बंजर, जो भी चीज़ जो अनप्रोडक्टिव हो, मतलब कि उपजाऊ ना हो, ठीक, बेकार बेकार फसल की कोई ऐसी ज़मीन जिस पे कोई भी खेती बाड़ी ना हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं? बंजर बोलते हैं। ठीक, तो होलसम, तो होलसम का मीनिंग होता है पौष्टिक खाना खाना, मतलब कि गुड फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, गुड मीन्स तो अच्छा होता ही है। और प्रॉफिटेबल लाभदायक। तो इस प्रॉफिटेबल और अनप्रोडक्टिव में अगर देखेंगे हम तो अनप्रोडक्टिव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी डू नॉट वॉन्ट द फ्लोरा एंड फौना फाउंड देयर टू बी कम एक्सटेंट। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको उनको हमें वो बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन अगर उनको हम उनको नहीं चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, बहुत ही परेशानी होगी हमें। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी इन्वायरमेंट में हमारी होती है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? हमारे फॉरेस्ट करते हैं। ठीक, तो इसलिए इसमें हमें इसको हमें बचाना होगा। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा हमारा? रिजर्विंग तो होगा नहीं, डिस्ट्रॉइंग तो और ख़राब हो जाएगा, मेंटेनिंग किसी चीज़ की होती है मेंटेनिंग, तो प्रिजर्विंग इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गया है द कंपनी लेट मी टू वर्क। तो इसमें एक रूल है, यहाँ पर जो लेट आता है, लेट के बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद आता है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? इन्वर्जन नहीं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव आता है, और इन्फिनेटिव इसको कहते हैं, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और इस वाले इन्फिनेटिव में जब यहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा तो हमारा विदाउट टू आएगा, मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे भी नोट कर लीजिए, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, ठीक, विदाउट टू आएगा, विदाउट टू। तो यहाँ पर आप देख लीजिए द कंपनी लेट मी टेक आएगा या टेकिंग आएगा, ये टुक आएगा, ये टू टेक आएगा। ये तो हमारा टू टेक हमारा इन्वर्जन हो गया, कंप्लीट इन्वर्जन, ये तो हो नहीं सकता, मैंने रूल में बता दिया आपको। टुक क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये भी नहीं आएगा हमारा। टेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है, ये भी नहीं आएगा। तो बच्चा क्या हमारा टेक, और टेक हमारा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमारा टेक सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आएगा, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बी हैप्पी।